हाय गाइस, दिस इज निखिल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और अभी पहले मैं क्रिएटिन पी लेता हूँ। तो आज है मंडे, हमारा यूनिवर्सल पुश डे है। और पुश डे में आज हमारा टारगेट ये है कि हम इंक्लाइन बेंच पे, जो हमारा फोर्थ सेट रहेगा, उसमें पिछले बार 30 kg से 8 रेप आए। तो आज हम टारगेट करेंगे या तो 9 आए या तो 10 आए। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। और भी एक दो हमारे वो गोल है, उस पर वर्क करेंगे। बट मेन गोल तो ये है, ये अचीव हो जाता है तो हमारा प्रोग्रेस धीरे धीरे हम आप कर रहे हैं, हमारे प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ सीन है। और अभी एक और चीज़ बतानी थी आपको कि अभी मैं ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, देखो द मैजिक ऑफ थिंकिंग भी ख़त्म हो गई है, अभी ये स्टार्ट करी। ये तो मतलब इसका तो नेक्स्ट लेवल है। ये तो ये देखो, ये बताओ, ये देखो, ये जूम नहीं हो रही। इसको इसके अभी मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़े, बाकी और पढ़ना है अभी। बहुत मतलब मजा जाएगा आपको पढ़ना, एक बार ट्राई करना। मैं ये पढ़ के आपको पूरा इसका एक शॉर्ट समरी दूंगा पढ़ने के बाद। स्टार्ट करेंगे पुश वर्कआउट अपना इंक्लाइन बेंच प्रेस से, 20 kg से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी जो हमारा गोल है वो अचीव होता है कि नहीं होता आज। वैसे तो हो जाना चाहिए, थिंक पॉजिटिव। सेकेंड सेट में हम 2.5 से नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट 5 से बढ़ाएंगे। और उसके बाद वाले थर्ड सेट में 2.5 से बढ़ाएंगे। लेट्स सी। एंड थ्री। कमान कमान कमान, लिफ्ट अप। यप, टू मोर टू गो। यप, वन मोर टू गो। यप, दो और। कितना है सपोर्ट से? सपोर्ट से ना सपोर्ट से फर्स्ट वाले का थोड़ा मतलब तो आया था, पर थर्ड के बाद तो थोड़ा मेजर आने लग गया था। तो भाई अपन ने टारगेट करा था 7 या 8 रैप आए सेल्फ। तो जो सपोर्ट दे रहा था भाई, उसने बोला कि
तीसरे रैप के बाद थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आ रहा था, मतलब 15-20% सपोर्ट आ रहा था, तो टोटल तो 8 रैप आए बट थोड़ा सा उसके सपोर्ट से, तो कोई ना जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। बट ये वर्कआउट भी हम लॉक करेंगे, ये वर्कआउट भी हम चेक करेंगे, कुछ कुछ कभी कभी जो हमारे गोल्स होते हैं वो अचीव नहीं होते, तो उसके लिए हम आज का दिन याद रखेंगे। कभी कभी वर्कआउट जैसा सोच रहा था वैसा नहीं होता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और प्रोग्रेस करेंगे, नेक्स्ट टाइम पूरे 10 आएंगे 9 आएंगे सेल्फ आएंगे। ये चीज़ बतानी थी कि कभी कभार जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, तो कोई बात नहीं, सब तो होता रहता है। अब डिक्लाइन करेंगे, डिक्लाइन में अपना बेस्ट देंगे, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। लास्ट सेट 35 kg, लेट्स डू इट, आएगा भैया डंबल। हाँ सीधा दे देना, हाँ खड़ा कर, ये बस थैंक यू, बस बस आ जाएगा, सेल्फ आ जाएगा, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, नाइन 10 टारगेट करा था बट 9, बट आई नो इसके पहले बार 7 या 8 आए थे, तो इसमें तो प्रोग्रेशन है, किसी में तो कुछ हो रहा है। लेट्स टारगेट फ्रेंड बेल्ट, नेक्स्ट अपने लेटरल डेल्ट को टारगेट करेंगे। पहले तो सर फॉर्म अप करते हैं थोड़ी देर फ्री वेट के साथ, फ्री नहीं 2.5 है, फिर हम वेट इंक्रीज करेंगे 4 सेट। नाउ अब वेट इंक्रीज करेंगे
10 लगाएंगे। ये वाली मशीन में पंप बहुत इनसेन आता है यार, बहुत ज़्यादा। मशीन तो सही सही है ही, बट पंप भी बहुत भयंकर आता है। नेक्स्ट ट्रैप, नेक्स्ट करेंगे हम ट्राइसेप ओवरहेड लेंगे, दो वेरिएशन करेंगे और सिंगल हम पुश डाउन लेके फ्रेश, उसके बाद थोड़ा सा कार्डियो और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। सिंगल लाइन यार, आज का मैं वर्कआउट लॉक कर रहा था तो मैंने सोचा ये वीडियो तो एंड करी नहीं। जो वर्कआउट में जैसे कि बताया है कि हमारा जो गोल था वो आज अचीव नहीं हुआ, बट ऐसा होता है कभी कभी, जो आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है। ये मैं वीडियो इसलिए, मैंने वाला सेट इसलिए और दिखाया है क्योंकि अगर आप जैसे बिगनर हो, आपने स्टार्ट करा है ना, तो अगर आपके साथ भी ये सेम चीज़ हो रही है तो उस दिन को आप ये मत समझो कि उस वो दिन पूरा बेकार हो गया। भाई उससे कुछ नहीं होता, ये अप एंड डाउन आते रहेंगे, छोटी मोटी चीज़ है। मैं चाहता था उस वीडियो को मैं एडिट भी कर सकता था, उस वीडियो को मैं क्लिप काट देता और आपको नहीं बताता कि मैं ये बोल देता कि हाँ अब आ गए। ये इसलिए बताने का मतलब है कि जो बिगनर है, अगर उनको रिजल्ट थोड़े थोड़े धीरे धीरे दिख रहे हैं ना, तो आप मतलब अपनी होप को बरकरार रखो, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। वो ये सब मैंने अभी इसको ट्रैक करूंगा और नेक्स्ट वीक में मैं फिर देखूंगा कि फिर इसमें प्रोग्रेस हो रही कि नहीं हो रही। सेम चीज़ अगर आपने भी, आपके साथ भी सेम चीज़ हो रही है जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, तो आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करो। नेक्स्ट वीक में जब भी आप वो सेम वर्कआउट फॉलो कर रहे हो तो उसमें देखो कि आपकी प्रोग्रेस हो रही कि नहीं हो रही। ऐसे प्रोग्रेस होगी तो ये चीज़ है जानने वाली। अगर आप बिगनर हो तो ये सब होता रहता है, और अगर जैसे मेरे को टाइम हो गया, मेरे साथ भी हो रहा है, तो जैसा गोल्स है ये ऊपर नीचे होगा, कभी कभार हो जाता है कुछ। और बाकी वर्कआउट तो पूरा सही रहा एकदम, कोई इसमें इश्यू नहीं आया। एक चीज़ और पूछनी थी आपसे कि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े टाइम के लिए 7 या 8 वीक्स के लिए एक मिनी कट करूँ, क्योंकि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा हाई कैलरीज पे था, तो मेरा मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा अच्छा प्रॉपर बिल्ड हो जाए, क्योंकि ज़्यादा खाते हो तो हमारा गट हेल्थ की वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए अराउंड 6 वीक या 8 वीक्स के लिए थोड़ा सा एक मिनी कट करूँ, 2-3 kg ड्रॉप करूँ। तो मेरे को मालूम है कि अगर मैं प्रॉपर एकदम डाइट पे आ गया तो मुझे 1-1.5 मंथ लगेगा, उसमें पूरा हो जाएगा। तो वो आप बताओ मेरे को कमेंट में कि करा जाए या नहीं करा जाए, या फिर मैं ये लीन बल्किंग ही चलने दूँ। तो ये चीज़, ये एक कंसर्न था, ये आपसे भी और क्लियर करना था, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो, आपको सब कुछ मैं बता के चल रहा हूँ। जब बिल्कुल मैं पतला था और बिल्कुल जब मोटा था, तब से आप देखते आ रहे हो, तब से सब कुछ बताते आ रहा हूँ। तो ये चीज़ भी आप मेरे को बताओ इसमें क्या करना चाहिए, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को बता सकते हो। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अंटिल देन बाय, टेक केयर, पीस। और वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करो। पीस।